आज मैं आप सबको एक ऐसे मंदिर लेके जाने वाला हूँ जो 725 ईयर्स पहले एस्टेब्लिश हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के सिरोही में स्थित सारनेश्वर महादेव मंदिर की। राजपूतानों में सिरोही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसने मुगल, मराठों और राठौड़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की और हमेशा इंडिपेंडेंट रहा। सारनेश्वर महादेव, जिनकी हिस्ट्री के बारे में बहुत कम लोग जानते। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के सिद्धपुर में स्थित रुद्रमाल महादेव मंदिर को खंडित करके शिवलिंग को गाय की खाल में लपेट के सिरोही के रास्ते से लेके जा रहा था। सिरोही के महाराज विजयराज जी को सूचना मिली और उन्होंने एक पत्र अपने भतीज जालौर के महान शूरवीर कानड़देव सोनीग्रा को भेजा और दूसरा पत्र अपने मेवाड़ के महाराजा रतन जी को ये लिखते हुए भेजा कि मरने के लिए इससे शुभ अवसर और कोई नहीं हो सकता। सिरोही, जालौर एवं मेवाड़ की राजपूत सेनाओं ने मिलकर सुल्तान का पीछा किया और सवाना पहाड़ी की तलह पर युद्ध हुआ, जिसमें महादेव की कृपा से राजपूतानी सेना जीत गई और अलाउद्दीन खिलजी हार गया। मंदिर के पीछे एक गोकुंड बना है जिसमें पानी कहाँ से आता है किसी को भी नहीं पता और साल के 12 महीने ये पानी ऐसे ही बहता रहता है और पानी का लेवल हमेशा एक जैसा ही रहता है। राजा ने फिर सिरावना पहाड़ी के ऊपर शिवलिंग को स्थित किया और सारनेश्वर महादेव जी के मंदिर का निर्माण किया और उसकी स्थापना की। इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग और स्थापित किए गए हैं और अन्य देवी देवता भी इस मंदिर में स्थापित किए गए हैं और उनके कुल देवी कुल देवता भी यहीं स्थापित किए गए हैं। तो सिरोही ज़िले की हिस्ट्री इतने में ख़त्म नहीं होती, और भी काफ़ी सारी सिरोही ज़िले की हिस्ट्री है जो कि मैं बताने जाऊँ तो शायद मेरे को टाइम कम पड़ जाए, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे शूरवीरों के बारे में और महलों के बारे में और राजाओं के बारे में बताया गया है जो कि बताने जाऊँ तो शब्द कम पड़ जाएंगे। तो इसी के साथ हमें स्वीट सा ब्यूटीफुल सा सनसेट देखने को मिल रहा है जो कि अभी हो रहा है, और साथ साथ में यहाँ पे छोटी छोटी घर बने हुए हैं जो कि यहाँ पे नीचे है और बहुत दूर तक हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जंगल वगैरह है और घर बने हुए हैं जो कि ये मंदिर के नीचे वाले हिस्से। मैं बाट के प्याला विश्का तूने खुद पिया।